वेलकम बैक वंस अगेन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। आप देख रहे हैं जागो दुनिया। यकीनन जाग चुके होंगे, नहीं जागे तो अब जाग जाइए, क्योंकि अब इस वक्त हमारे स्टूडियोज में मौजूद हैं डॉक्टर ताहिर कमाल। ही इज अ डर्मेटोलॉजिस्ट एंड अ कॉस्मेटिक सर्जन, एंड इनसे हम बात करेंगे, एंड अ स्किन स्पेशलिस्ट। वो तो डर्मेटोलॉजी में आ जाता है, लेकिन मैंने कहा मैं बता दूं कुछ लोगों को नहीं डर्मेटोलॉजी। मुझे तो चलें जी, डॉक्टर फैमिली तो पता है, इनको नहीं पता, स्किन स्पेशलिस्ट ही होता है वैसे डर्मेटोलॉजी का रिलेटेड। जी ये डॉक्टर साहब से हम कन्फर्म कर लेंगे। नहीं नहीं, इट्स ओके, कोई एक गुनाह माफ होता है, कोई मसला नहीं। अच्छा जी, इनसे हम लेजर के हवाले से बात करेंगे कि लेजर के हवाले से बड़े मिथ्स होते हैं फारूक, कि जी स्कार्स पड़ जाते हैं, निशान हमेशा के लिए रहते हैं। कैंसर का भी सुना है, अगर आपने लेजर के सुना हो कि कैंसर हो जाता है खुदा ना खास्ता, इस हवाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक ठीक ठाक। अच्छा डॉक्टर साहब, लेजर के हवाले से बात की, जो मिथ है कि जी लेजर ट्रीटमेंट के बाद आपके निशानात नहीं जाते, लेजर ट्रीटमेंट से कैंसर हो जाता है, इसमें कुछ हकीकत है या ये मिथ है? फारूक भाई, बात यह है कि लेज़र के बारे में मिसकॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। सबसे पहली बात यह कि लेज़र इज़ ए टाइप ऑफ लाइट, और लाइट की दो बड़ी अहम प्रॉपर्टीज़ हैं। एक तो ये एब्जॉर्ब होती, दूसरा ये रिफ्लेक्ट बैक होती है। ये थ्रू एंड थ्रू पास नहीं होती, सो इट्स नॉट अ रेडिएशन। जो चीज़ रेडिएशन ना हो वो आपको इंटरनली कभी लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स नहीं दे सकती, अनसेफ नहीं होती। अब बात आती है कि एक होते हैं साइड इफेक्ट्स और एक होते हैं एडवर्स इफेक्ट्स। नाउ पीपल मोस्ट ऑफ द टाइम दे मिक्स साइड इफेक्ट्स विद एडवर्स इफेक्ट्स, उसको एक ही जुमरे में लेते हैं कि जी वो मुझे उससे बड़े साइड इफेक्ट्स। साइड इफेक्ट्स तो आपको किसी चीज़ से हल्की सी रेडनेस आ गई या किसी चीज़ से थोड़ी सी इरिटेशन हो गई, ये साइड इफेक्ट। एडवर्स इफेक्ट वो होते हैं विच यू डोंट लाइक टू हैव, लाइक लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन, कोई स्कार पड़ जाना, कोई परमानेंट मार्क रह जाना। वो डिपेंड करता है कि हु इज द पर्सन बिहाइंड द मशीन, ठीक है, क्योंकि वो एक कंसल्टेंट के या किसी प्रोफेशनल के अंडर सुपरविजन होती है। वो कौन सी एनर्जीज यूज करता है, इट्स नॉट प्रोग्राम्ड कि यू स्विच ऑन वन बटन एंड देन यू कैरी ऑन। कॉलर लाइन पे उनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम फारूक भाई, मुरसली नर्स कर रहा हूँ कराची नॉर्थ आजमाबाद से। वालेकुम अस्सलाम, सुबह बखैर, क्या कहना चाहेंगे मुरसली? सुबह बखैर जी, आपकी इजाजत से डॉक्टर साहब से ये पता करना था, डॉक्टर साहब मेरा बाईपास हुआ था। जी जी, हेलो, आवाज आ रही है? जी जी आ रही है, आ रही है, बोलते जाएं। जी डॉक्टर साहब, मतलब मेरा बाईपास हुआ था, मेरी टांग से जो वेन से गालते हैं ना वो बाईपास के लिए, जी जी, तो वो जो है ना निशान इतना गहरा उतना लंबा है कि वो जो है ना जी किसी तरीके से जो है ना वो खत्म नहीं होता है। तो इसकी क्या वजह है, जरा सा आप मुझे बताएंगे कि ये किस तरीके से खत्म हो सकता है? ठीक है, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल जी डॉक्टर साहब। जी बाईपास के लिए जो वेन निकालते हैं उससे ये होता है कि आपकी नेचुरली उस जगह ब्लड सप्लाई थोड़ी सी हैम्पर हो जाती है, सप्लाई ठीक नहीं, तो वो स्कार टिश्यू बन जाता है। उसके दो मेथडोलॉजी हैं, अगर इफ यू गो फॉर लेजर, अगर वो तो स्कार माइल्ड है तो दैट कैन बी इम्प्रूव विद लेजर, ठीक है, लेकिन वो लेजर नहीं है जो हम हेयर रिमूवल के लिए यूज करते हैं। हर के लिए लेजर टाइप डिफरेंट है, जैसे मैंने कहा कि वो कार्बन डाइऑक्साइड या अर्बियम याग लेजर होगी, ठीक है, जो ये टेक्नोलॉजीज हैं, मशीन एक ही होती है, जी मशीन डिफरेंट होती हैं, डिफरेंट मशीन डिफरेंट है, क्योंकि उसके अंदर जो फोटोन प्रोड्यूस कर रहे हैं लाइट वो डिफरेंट एनर्जी प्रोड्यूस, तो वो मशीन डिफरेंट है, ठीक। और अगर बड़ा स्कार है तो इट हैज टू बी एक्साइज एंड देन रीस्टिच, यानी हम उसको रिमूव करके और हेल्दी स्किन को आपस में स्टिच कर सकते हैं, तो उससे काफी वो माइल्ड हो जाएगा, और बहुत ये तो नहीं मैं कह सकता कि बिल्कुल गायब हो जाएगा, बट 90% वो इंप्रूव कम हो जाएगा वो। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए कि जो एक्नी होती है जिन लड़कियों को, खासतौर पर फिर लड़कों को भी टीनेज की उम्र में होना शुरू हो जाती है, लेजर से इसका मुकम्मल इलाज हो सकता है कि नहीं? बहुत निशान मुंह पे होते हैं, उसकी वजह से कॉम्प्लेक्स का लड़कियां शिकार हो जाती है। बिल्कुल एथिकल नॉन एथिकल प्रैक्टिस होगी कि अगर किसी को एक्टिव एक्नी हो और आप उसको लेजर सजेस्ट कर रहे हैं, अच्छा दिस इज टोटली रॉन्ग, बिकॉज यू हैव टू ट्रीट द प्रोसेस, यू हैव टू इन्वेस्टिगेट कि क्या वो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, एक्नी का क्या ग्रेड है। लेजर यूज होती है जहां एक्नी स्कार्स आ जाएं, ठीक है, या कोई बहुत इमरजेंसी डेयर इमरजेंसी और आपने कुछ पिंपल्स को जल्दी उठाना है, वो भी मैं कहूंगा जब तक बहुत क्वालिफाइड बंदा, उसको पता है किस एनर्जी पे मैं इसको थोड़ा सा सप्रेस कर दूंगा, लेकिन वो उसका ट्रीटमेंट नहीं है, जस्ट अ स्मॉल रेमेडी के जी वो थोड़ा सा उसका जो सेवेरिटी है उसको रिड्यूस किया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, इट वाज अ प्लेजर टू हैव यू, आपने बड़े शॉर्ट कंसाइज ब्रीफ और टू द पॉइंट आंसर्स दिए डॉक्टर ताहिर, वी विल इंशाल्लाह इनवाइट एंड आई होप के नाज़रीन को पता भी चल गया होगा लेजर के हवाले से जो मिसकंसेप्शंस थे। अच्छा जी, हाँ जी, अब हमने ब्रेक पे जाना है, लेकिन ब्रेक के बाद आपकी मुलाकात होगी एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन तीन गेस्ट से। मुझे लग रहा है फिल्म का ट्रेलर चला है, ये थोड़ा सस्पेंस क्रिएट करना था। गेस्ट के नाम आपको बता देते हैं, सामिया खान भी होंगी, आसमानी काउंसिल से रابطہ
करके जो आती है हमेशा पता है मोबाइल फोन सैटेलाइट फोन लगाए हुए साथ उनकी होंगी फिजा अली बहुत ही खूबसूरत सी हमारी एंकर भी है अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ फारूक एंड माइन एज वेल एंड उनके साथ कौन होंगे मलकू जी मलकू भंगड़े डालेंगे क्योंकि शुएब और सानिया की आज शादी है और शादी तो हमने तो मनानी है जी पाकिस्तान में लड़के वाले खुशी हमने मनानी है इसलिए स्टे ट्यून डोंट गो एनीवेयर वी विल बी राइट बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक. Jaa to jaa to jaa to jaa to.